और झारखंड विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की सूची शनिवार को जारी होते ही पूरे झारखंड में भाजपा कार्यकर्ता जश्न में डूब गए। एक बार फिर भाजपा के आलाकमान ने झरिया विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य राकिनी सिंह पर भरोसा जताते हुए उम्मीदवार घोषित किया है। तो झरिया से राकिनी सिंह को उम्मीदवार घोषित करते ही भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी जा रही है। राकिनी सिंह ने सर्वप्रथम स्वर्गीय सूर्य देव सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आशीर्वाद लिया। पूर्व विधायक कुंती सिंह ने भी भाजपा कार्यालय पहुंचकर राकिनी सिंह को आशीर्वाद दिया और भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता समेत सैकड़ों सिंह मेंशन समर्थकों का जुटान कतरास मोड़ स्थित कार्यालय में होने लगा। मौजूद समर्थकों द्वारा स्वर्गीय सूर्यदेव सिंह चौक के समक्ष ढोल नगाड़े बजाते हुए जमकर आतिशबाजी की गई। समर्थकों द्वारा रागिनी सिंह जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। तो वहीं मौके पर मौजूद भाजपा प्रत्याशी रागिनी सिंह ने सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। कार्यकर्ताओं के चेहरे पर भी खुशी देखते बन रही थी। सबसे पहले तो आप सभी को दिल से धन्यवाद, आभार, आप सभी को ढेर सारा शुभकामना भी देती हूँ। और सबसे पहले अपने पार्टी के ऐसे महान पुरुष, विकास पुरुष, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दिल से धन्यवाद, आभार प्रकट करती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ। साथ ही साथ में अपने देश के ऐसे हमारे विकास पुरुष, महान पुरुष आदरणीय जेपी नड्डा जी, आदरणीय अमित शाह जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी और हमारे आदरणीय करमवीर जी, आदरणीय हमारे अर्जुन मुंडा जी, हमारे आदरणीय सुराज जी चौहान जी, हमारे जितने भी केंद्र में बैठे सभी हमारे सभी सांसदगण, सभी हमारे विधायकगण, हमारे स्थानीय माननीय ढुल्लू महतो जी, माननीय पीएन सिंह जी, सभी को मैं दिल से धन्यवाद, आभार प्रकट।